ईश्वर सर, आप उस डीएसपी पांडियन से पंगा मत लो। अगर मेरे बस में होता तो पुलिस स्टेशन में घुसकर उस डीएसपी पांडियन के टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन अब अपना टाइम ठीक नहीं है। अगर सफेद रवि जेल के बाहर होता तो ऐसे कीड़े मकोड़े को कब का मारकर फेंक चुका होता। ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी है आरके, मुझे श्योरिटी चाहिए, श्योरिटी। उस नायकर के लैंड के भरोसे में दुबई की कंपनी से कमिटमेंट कर चुका हूँ, उनके करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं। तू काटेगा मारेगा मुझे कुछ नहीं पता, ये काम हो जाना चाहिए बस। देखिए ईश्वर सर, मेरी बात सुनिए आप। तुम लोग मेरी प्रॉब्लम समझो। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। देखिए ईश्वर भाई, डीएसपी पांडियन को इस मामले से थोड़ी देर के लिए हटा कर रखेंगे, बस इतना ही। सर, क्या मैं एक सजेशन दे सकता हूँ? नायकर हमारी हालत को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो मानेगा नहीं। और आपने जो डील की है, अगर वो नहीं हुई तो आपने जो कमिटमेंट किया है और जो इन्वेस्ट किया है वो सब बेकार हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास उस चौधरी को ठोकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ए, अपना मुंह बंद रख, ऐसा होगा ये हमें भी पता है। नायकर को खत्म करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये बात तो मेरे घर के बाथरूम क्लीन करने वाले को भी पता है। बड़ा आया आइडिया लेके, बिना कुछ जाने थोड़ी ना हम लोग यहाँ इतने सालों से धंधा कर रहे हैं। बड़ा आया बोलने वाला, डीएसपी पांडियन से तेरा बाप आके बचाएगा क्या? स्वेटर डाल लिया तो बड़ा हीरो जैसा बात कर रहा है। सर, मैं अपने सजेशन को पूरा बोलूं? What I see is नायकर और डीएसपी पांडियन दोनों को ठोक देते हैं। पांडियन के सपोर्ट में ही नायकर उछल रहा है, और आरके ने फोन करके नायकर को धमकी दी थी, ये किसी और को नहीं पता था। इसलिए हमारी डील और हमारी धमकी के बारे में नायकर और डीएसपी पांडियन और हमारे सिवा किसी और को नहीं पता है। इस हालत में अगर हम नायकर और पांडियन को एक साथ उठा लेते हैं तो एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे, और वैसे भी मैं जो प्लान करने जा रहा हूं उस हिसाब से इन दोनों को अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टाइल से मारेंगे। पुलिस दोनों मर्डर केस में अलग अलग रूट में इन्वेस्टिगेशन करेगी। इस केस में और ओएमआर प्रॉपर्टीज के केस में कोई लिंक है ये जानने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगा। आर के अपने एक्सपीरियंस के स्टडीज से मेरे इस प्लान में कोई लूप होल्स हो तो बताएं। इस मामले में हम सब शामिल हैं, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन इट्स टेकन बाय यू। पर प्लान क्या है? अभी मेरे माइंड में रफ है, पहले मैं प्रिपेयर कर लूं फिर डिस्कस करेंगे। मुझे इसमें हेल्प के लिए चिन्ना सर का साथ चाहिए। उस वक्त सत्या के दिमाग में एक प्लान चल रहा था, वो उसकी दोस्ती के सर्कल में वो बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। हर इंसान की जिंदगी में कुछ पल शांति का आता है, उसके बाद पता चलता है ये तूफान के आने से पहले की शांति है।